हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि अंबिका व्लॉग्स में। जैसे कि आप सबको पता है, आज तक मैं सिर्फ देवघर का अपडेट दे रही थी श्रावणी मेला को लेकर, और गंगा जी का यानी कि सुल्तानगंज का भी मैंने अपडेट दिया है जाके वहां पे। बट गाइज, मैं आज आप सबको बासुकीनाथ के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बासुकीनाथ का अपडेट देने वाली हूँ। जैसे आप सबको पता है कि कल एक मीटिंग हुआ था श्रावणी मेला को लेकर, मतलब एक मीटिंग आयोजित हुआ था बासुकीनाथ में, जिसमें जिला प्रशासन और पंडा धर्मक्षिणी सभा के बीच में ये मीटिंग हुआ था, जिसमें ये निकल के आया है कि इस साल भी श्रावणी मेला नहीं होगा। इस साल भी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता ही है कोरोना की वजह से ही है। और इसमें इस मेले को मतलब स्थगित ही कर दिया गया है, ये वहाँ का डिसीजन हो के आया है। लेकिन मंदिर पर जो आश्रित थे, जैसे कि पुरोहित और जो भी है दुकानदार, उन लोगों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आप सबको तो पता है ना, मंदिर पे बहुत आदमी है जो आश्रित रहते हैं, जैसे पुरोहित, दुकानदार वगैरह। ये सेम चीज़ है देवघर में भी, यही कंडीशन है। बासुकीनाथ और गंगा जी में बहुत सारे आदमी है जो सिर्फ सावन को लेकर, सावन में कमाते हैं, और वो लोग सोचते हैं पूरा साल गुजर वगैरह करना, तो वो लोग भी सही है। उसके लिए पैकेज वगैरह की मांग की गई है। अब देखते हैं क्या होता है, आगे क्या चल के आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे पास कोई और अपडेट आएगा, मैं आप सबके लिए वीडियो बना के डाल दूंगी। इस छोटे से अपडेट को यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव, बोलबम।